Assalamu alaikum, dear student. Today we are studying about exercise number 2.5, page number 71 and question number 4. क्वेश्चन नंबर फोर में हमें दिया गया है डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड, यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो हमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिया गया है 2 + iota और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - iota। तो हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर। Z1 / Z2 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को और Z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर को। Z1 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + iota और Z2 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - iota। तो पहले आपने इस तरह लिखना है, इसके बाद रेशनलाइजेशन मेथड है उस तरीके के मुताबिक आपने हल करना है। तो दूसरा स्टेप जो है वो आपने सीखना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी होता है, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 - iota, तो आपने क्या करना है इस 5 - iota यानी डिनोमिनेटर टर्म को मल्टीप्लाई भी करना है इस टर्म को और सबट्रैक्ट भी डिवाइड भी करना है। डिनोमिनेटर वाले टर्म को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। लेकिन एक और बात भी आपने जहन में याद रखना है कि यहाँ पर अगर आयोटा का सिंबल माइनस है तो आपने प्लस लिखना है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो आपने माइनस लिखना है। ये बात अपने जहन में याद रखें कि आयोटा वाले टर्म यानी इमेजिनरी पार्ट का जो भी सिंबल होगा आपने चेंज करना है। और दूसरी बात यह है कि आपके डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी टर्म हो उसको अपर उसके साथ उसको अपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यहाँ पर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है और ना ही डिवाइड किया है, इन दोनों का अगर हम कैंसिल करें तो इसे 1 आते हैं। तो एक्चुअली हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाले टर्म न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है 2 + iota और 5 + iota, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर वाले टर्म को 5 - iota 5 + iota को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो इससे आपके पास आ गया 10। 2 को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है आयोटा के साथ, तो इससे आपके पास आ गया 2 iota। इसके बाद आपने आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो इससे आपके पास आ जाते हैं 5 iota। और आयोटा को अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है आयोटा के साथ, तो इससे आपके पास आ जाता है आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है वो तो फार्मूला नंबर 3 है। फार्मूला नंबर 3 में हमारे पास है a + b और a - b। तो a + b और a - b में हमारे पास आ जाते हैं a² - b², ये फार्मूला है फार्मूला नंबर 3। a² - b² ये बराबर है a + b * a - b, इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a - b है और यहाँ पर है a + b, तो ये इसी के मुताबिक है, फॉर्मूला नंबर 3 के मुताबिक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5² - iota² क्योंकि a की जगह 5 है और iota की जगह b है, यानी b की जगह iota है, a की जगह 5 और b की जगह क्या है iota है, और मनफी तो मनफी है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5² - iota² यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद अपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 और 2 iota + 5 iota से आपके पास आ जाते हैं 7 iota, और iota स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो इसको हमने -1 लिख दिया। यहाँ पर 5² है डिनोमिनेटर में, 5² से आ जाते हैं 25 और iota स्क्वायर की वैल्यू है वो है -1, तो उसको भी हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके पास इसके साथ कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाते हैं 9 और ये आ गया 7 iota। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आता है 25 और मनफी, इससे आता है प्लस, इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इसे प्लस आते हैं, तो 25 + 1 से आ जाते हैं 26। इसके बाद हमने क्या कर दिया है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में सेपरेट किया है। तो 9 के नीचे तो 26 भी है और 7 iota के नीचे भी 26 है, तो इसको हमने सेपरेट लिख लिया है। 9 / 26 प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लिया, 7 / 26 * iota, तो ये आपका हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिर उसी तरह बन गया जिस तरह हमारे पास था a + b iota इसी फॉर्म में है।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर वन, थ्री आयोटा प्लस फोर और टू जो है वो है कम्प्लेक्स नंबर टू, वन माइनस आयोटा। तो इसको हमने डिवाइड किया फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को सेकंड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो वन डिवाइड बाई जीरो टू, थ्री आयोटा प्लस फोर, वन माइनस आयोटा। तो जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होता है उसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और जो अहम बात है उसमें यह है कि आयोटा के साथ जो भी सिंबल हो उसको आपने चेंज करना है। यहाँ पर माइनस है तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ पर भी माइनस माइनस को प्लस कर दिया, और हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसके बाद डिवाइड भी कर दिया। ये एक तरीका है, रैशनलाइजेशन मेथड है, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में जो टर्म है नीचे वाले जो टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो थ्री आयोटा और वन, थ्री आयोटा वन से हमारे पास आ जाते हैं थ्री आयोटा, और थ्री आयोटा इन टू आयोटा, तो इसे हमारे पास आ जाए थ्री आयोटा स्क्वायर। इसके बाद हम फोर को मल्टीप्लाई करते हैं, फोर इंटू वन इसे आ जाता है फोर, और फोर इंटू आयोटा इसे आ जाता है फोर आयोटा। तो आयोटा वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, और जिसके साथ आयोटा नहीं है रियल नंबर है तो उसको आपस में ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं वन माइनस आयोटा और वन प्लस आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर वन के मुताबिक यहाँ पर भी हमने आपको समझा था कि ये फार्मूले नंबर थ्री के मुताबिक है ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ए है यानी वन है, ये ए के मुताबिक है, और यहाँ पर आयोटा है तो ये बी के मुताबिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूले नंबर थ्री की तरह कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, थ्री आयोटा को थ्री आयोटा के साथ फोर आयोटा को ऐड करना है, तो इससे आपके पास आ जाते हैं सेवन आयोटा। यहाँ पर थ्री के साथ आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने लिखना है माइनस वन, तो इसको आपने माइनस वन लिख दिया, और फोर तो वही की वही लिख दिया। इसके बाद नीचे वाले टर्म में हमारे पास अगर हम देखें तो वन स्क्वायर से आता है वन, और आयोटा स्क्वायर से हमारे पास आ जाते हैं माइनस वन, आयोटा स्क्वायर से आ जाता है माइनस वन। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेवन आयोटा, इन दोनों को जब हमने ऐड किया सेवन आयोटा और थ्री आयोटा स्क्वायर माइनस वन, थ्री माइनस वन प्लस फोर, तो अब हमने क्या कर दिया सेवन आयोटा और इसे आ गया माइनस थ्री प्लस फोर, थ्री मनफी ज़रब जमा इसे आ जाते हैं माइनस और मनफी थ्री प्लस फोर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन इस आयोटा की स्क्वायर की जगह हमने लिखा है माइनस वन, तो इसे भी मनफी ज़रब मनफी से आ गया प्लस। तो ये वन तो पहले वन स्क्वायर के वन है और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की माइनस वन है, तो इन दोनों को भी हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया वन प्लस वन। अब फोर से आपने सबट्रैक करने हैं थ्री को, जब हम फोर से थ्री को सबट्रैक करते हैं तो इसे हमारे पास आ जाते हैं वन, और टू को जब हम ऐड करते हैं वन और वन को जब हम ऐड करते हैं तो इसे हमारे पास आ जाता है टू। तो इसको हमने थोड़ा अरेंज किया है, सेवन आयोटा प्लस वन है तो इसको हमने कुछ इस तरह लिखा है कि वन प्लस सेवन आयोटा डिवाइडेड बाई टू। अब आप देख सकते हैं वन प्लस सेवन आयोटा डिवाइड बाई टू। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, यानी हाँ ये टू जो है ये तो वन के नीचे भी है और सेवन आयोटा के नीचे भी है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वन डिवाइड बाई टू और सेवन डिवाइड बाई टू आयोटा। तो ये आपका हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, जो कि कम्प्लेक्स नंबर बनता है।